सोनाली फोगाट हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान ने रिमांड के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने हत्या की साजिश रचने की बात भी कबूल ली है। गोवा पुलिस के एक सूत्र ने जानकारी दी है। हालांकि गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने इस बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि ऐसी जानकारी होगी तो मीडिया को बताया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुधीर साजिश के तहत सोनाली को गुरुग्राम से गोवा लाया था। गोवा में शूटिंग की कोई योजना नहीं थी। सोनाली की हत्या की साजिश बहुत पहले ही रच ली गई थी। गोवा पुलिस ने इस हत्याकांड में कुछ पुख्ता सबूत जुटाए हैं जो सुधीर सांगवान को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करने के आदेश दिए हैं। 23 अगस्त को गोवा के करलीज रेस्टोरेंट में हुए हत्याकांड की जांच गोवा के अंजुना थाना पुलिस कर रही है। सुधीर सुखविंदर के खिलाफ हत्या का, जबकि इन दोनों के साथ ही रूम बॉय दत्ता प्रसाद गांवकर, करलीज क्लब का मालिक एडविन और रमा मांड्रेकर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पांचों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली को साजिश से रच कर मारा है। दत्ता प्रसाद ने सुधीर को 12,000 रुपए में ड्रग्स उपलब्ध करवाई। इस काम के लिए सुधीर ने दत्ता को दो बार 5,000 रुपए और 7,000 रुपए का भुगतान किया था। एडविन ने अपने रेस्टोरेंट में ड्रग्स के इस्तेमाल का विरोध नहीं किया। रमा मांड्रेकर नशा तस्कर है, जिसे दत्ता प्रसाद ने ड्रग्स लेकर सुधीर को दी थी। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह के अनुसार सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया है कि उन्होंने 22 अगस्त की रात को सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दी थी। उन्हें पानी पिलाकर मैथाम में फेटामाइन केमिकल दिया। तीनों ने अपने होटल के कमरे में एमडीएमए को सुंघा कर और सुधीर पानी की बोतल में बचा हुआ एमडीएमए करलीज क्लब ले गया। सीसीटीवी में सोनाली को सुधीर वहीं पिलाते नजर आ रहा है। ट्रक की ओवरडोज से करीब 2:30 बजे सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो दोनों उन्हें वॉशरूम ले गए। वहां सोनाली को उल्टियां हुई, कुछ देर बाद में वापस आकर डांस करने लगी। 4:30 बजे के करीब फिर टॉयलेट ले गए, लेकिन वो खुद नहीं चल पा रही थी, ना ही खड़ी हो पा रही थी। सुधीर सुखविंदर उसे लेकर वो टॉयलेट में ही सो गई। वे दोनों वहीं बैठे रहे। सुबह दोनों पहले सोनाली को पार्किंग एरिया में ले गए, वहां से ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट ले गए, जहां से अस्पताल लेकर गए। वहीं ड्रग्स की बोतल लेडीज टॉयलेट में छिपा दी। सोनाली फोगाट की मौत के दिन की पूरी कहानी गोवा पुलिस की केस डायरी में लिखी हुई है। सोनाली के पिता सुधीर सांगवान और उसके साथ ही सुखविंदर का कबूलनामा भी मिला है। डायरी में लिखा है कि अंजुना पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत नाइक के अनुसार उन्हें सेंट एंथनी अस्पताल से 23 अगस्त की सुबह 9:22 पर मेडिकल ऑफिसर का कॉल आया था, जिसके बाद वो अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर इंस्पेक्टर द्वारा पूछताछ में बताया गया कि सोनाली फोगाट को यहां लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी।